ऐसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। अगर किसी को लगता है कि ये मेकअप में अच्छी लगती है, बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 3 बजे का टाइम हो रहा है और आज का दिन वही दिन है जब हम सफाई के लिए गए थे। मैंने व्लॉग शूट किया था और आपको बताया था, और व्लॉगिंग एंड करने के बाद दूसरा व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए ऊपर आई थी और अब मैं जा रही हूँ नीचे। ये रही मेरे हाथ में बाल्टी। और गाइस, काम बहुत रह गया था घर में, मैं छोड़ कर गई थी तो बर्तन वगैरह भी रह गए थे। तो जब घर आई तो सासू ने कहा कि बर्तन मैं धो देती हूँ, तो नहा ले, तो एक काम उन्होंने कर दिया था। फिर मैंने नहा के फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे। और चलो तो मैं जा रही हूँ अब नीचे और करूँगी थोड़ी देर आराम। आज घर में बनी थी बाजरे की रोटी, तो वो मेरी सासू ने चूल्हे पर ऊपर ले जाके बनाई थी। इसमें रोटियां और सब्जी आज बनी थी, आलू गाजर मटर की मिक्स सब्जी है, मैंने बनाई थी सवेरे। गाइस, अभी मैं 10 से 15 मिनट के लिए आराम करूँगी, मतलब लेटूंगी, और काम अभी लगभग सारे हो गए हैं। और अभी खाना नहीं खाया है, ये अभी आए नहीं है, आ जाए तो साथ में एक ही बार मैं खाना गर्म कर लूँगी और खा लेंगे। कॉल किया था मैंने तो अभी उठाया नहीं है, कहीं बिज़ी हो रहे होंगे। तो चल मैं थोड़ी देर लेटती हूँ और हो सकता है मुझे नींद आ जाए। नींद आ गई तो सो जाऊँगी, जब तक कोई जगाए ना तब तक मैं नींद कर लूँगी। सो गाइस, पानी गर्म लगा रखा हुआ है और अभी घर पर कोई नहीं है। जो मेरी सास है वो एक और जो भैंसों वाला घर है वो वहाँ पर गई हुई है। आटा आज ख़त्म हो गया, थोड़ा रह गया शाम के लिए, तो वो गेहूं वगैरह लेकर गई है वहाँ पे, उसका आटा लेकर आएंगी। चक्की है वहीं पे लगी हुई है, घर में ही चक्की है मतलब। और यहाँ पे गांव में सब के घर सारा कुछ अपना अपना होता है, मतलब आटा भी घर में ही पीसते हैं, सारा कुछ घर में ही होता है। जैसे सिटीज़ में तो लेकर आना पड़ता है, या पैकेट लेके आओ या पिसवाने जाना पड़ता है, तो यहाँ पे सारा कुछ घर में ही होता है। तो वो जो भैंसों वाला घर था, मैंने आपको बहुत पहले ब्लॉग में बताया था, तो उस घर में वो गई है आटा पीसने, और भैंसों का भी जो थोड़ा बहुत काम करके आएंगी। फिर वो आ जाए तो चाय बनाएंगे, मुझे भी चाय पीनी है, तो मैं सोच रही हूँ वो आ जाए तो बना लूँगी दोनों ही के लिए साथ में। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये झांकी में माइक रखा है। एक्चुअली झांकी ये जो विंडो होती है, जैसे खिड़की बोलते हैं, विंडोज़ होती है, तो यहाँ गांव में इसको झांकी बोलते हैं। तो पहले मुझे समझ नहीं आता था कि झांकी झांकी कैसे, किस चीज़ को झांकी बोलते हैं और किस चीज़ को खिड़की बोलते हैं। तो धीरे धीरे पता चला कि जितनी भी खिड़कियाँ होती हैं उसको झांकियाँ ही बोलते हैं। तो मेरी भी अभी थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई है, जब यहाँ पर रहती हूँ तो यहाँ के कुछ वर्ड मुँह में आ जाते हैं। सो गाइज, ये जो बॉक्स रखा है ये माइक का बॉक्स है, इसमें माइक है। और पहले भी ये बॉक्स लिया था सिंगल माइक का, और ये डबल माइक वाला बॉक्स, तो ये आप देख सकते हो इसमें 2 माइक है और एक कनेक्टर है। तो ये न्यूज़ वगैरह की वीडियोस बनाने के लिए, जो रिकॉर्डिंग करनी होती है उसके लिए लिया था, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। मैं कह रही थी ना कि मैं अभी चाय बनाऊंगी और वो आ जाए तो हम दोनों साथ में पी लेंगे, लेकिन चाय मुझे यहीं पर बनी बनाई मिल गई, उन्होंने खुद के लिए, मेरे लिए और पापा जी के लिए भी बना ली। मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने कहा था कि वो आटा पीसने गई है, तो आटा पीस के आ गया है चट्टी से, यानी कि दूसरे वाले घर से। और ये भी इतना आ गया है लगभग, और वहाँ भी उन्होंने कुछ पीस के रखा होगा, क्योंकि भैंसों को भी उसमें खिलाना होता है। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ छत पर, धूप में थोड़ी देर बैठूँगी, नीचे बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है ठंड। तो आज धूप थोड़ी बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगेगा। तो मैं चलो यहाँ पर बैठती हूँ। सो गाइस, ये चेयर रही, बाहर ले आई हूँ। और आप इस चेयर का जो कवर देख रहे हो, ये एक्चुअली अलग से है, ये कपड़ा लेकर आए थे और ये मैंने ही बनाया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। सॉफ्ट सा है, वेलवेट का कपड़ा लेकर आए थे। अब देखो, अंदर छत पर रखी रहती तो इस पर ऐसे धूल सी चढ़ जाती है। और इसका बांधने वाला सिस्टम बनाया था मैंने कि जब भी इसको वॉश करना हो तो उसको यहाँ से खोला, सारी यहाँ पर डोरियाँ वगैरह बंधी हुई हैं। और इसको मैं यहाँ से दिखाती हूँ नीचे, इसकी भी यहाँ से ऐसे डोरियाँ वगैरह बंधी हुई हैं कि इसको जब वॉश करना हो तो इसको यहाँ से खोल के सब अलग करके वॉश कर लो, फिर वापस से लगा दो।
सो गाइस जब चेयर पर बैठते हैं ना तो सबके सामने तो ऐसे अलग ही सिस्टम होता है चेयर पर बैठने में, लेकिन मैं अपना बताऊं तो मुझे चेयर पर ऐसा पसंद है बैठना, ये जो चेयर का हैंडल होता है इसके ऊपर दोनों पैर चढ़ा के और ये जो इसकी पीछे की सीट होती है इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के इस तरीके से आप देख सकते हो मुझे, तो इस तरीके से मुझे चेयर्स पर बैठना बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है। सो गाइस जैसे कि मैं अभी छत पर बैठी हूँ और आप देख रहे होंगे ये मेरे पीछे की जो बाउंड्री है ये कितनी ऊंची है। अभी मैं चेयर पर बैठी हूँ, मैं खड़ी होकर दिखाती हूँ, ये मैं खड़ी हो गई हूँ और ये बाउंड्री इतनी आती है, ये देखो मेरे से अभी इतनी ऊपर है, तो ये चारों तरफ की बाउंड्री है, इधर भी और इधर भी, और ये नीचे जाने का रास्ता है उसके पास में। सो मैंने आपको बहुत पहले अपने स्टार्टिंग ब्लॉग्स में बताया था इसके बारे में, तो यहाँ पे हर घर में लगभग हर घर में इसी तरह की बाउंड्रीज होती हैं, छत पर हो चाहे नीचे हो घर, तो यहाँ पे ये सिस्टम होता है जैसे घूंघट का सिस्टम होता है हर घर में, इसलिए इस तरीके के घर में ऐसी ऊंची ऊंची बाउंड्री बनी हुई होती हैं ताकि किसी की बहू पे किसी की नज़र ना पड़े या कोई बहू घूंघट करके रहती है तो उसको काम करने में प्रॉब्लम ना आए और ऊपर नीचे जाते तो कोई बहू पे बहू को देखे ना, नज़र ना रखे। तो इस टाइप के थोड़े थॉट्स इस गांव के लोगों के हैं, जैसे और भी गांव में ऐसे होते होंगे तो यहाँ भी ऐसे कुछ है जो मैंने देखा, तो इस वजह से यहाँ पे इस टाइप की और बाउंड्री है। और आप देख रहे होंगे कि पीछे सारा प्लास्टर किया हुआ है, बस कलर नहीं है, तो काफ़ी सारे घर गांव में यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पे कलर नहीं होता, ओनली प्लास्टर ही किया हुआ है सालों साल मान लो, और चाहे हमेशा ही मान लो कि यहाँ के घर ऐसे ही रहते हैं, गिनने चुने कोई घर है जहाँ पे कलर किया हुआ है, वरना ज़्यादातर यहाँ पे सारे घर ऐसे ही हैं ओनली प्लास्टर किया हुआ। यहाँ पे इनसे ही इन सबको पसंद होता है यहाँ पे। ये सामने आप देख रहे होगे ये रूम है, तो ये ऊपर का रूम है, यहाँ पे हम लोग सोया करते थे और यहाँ पे ये वीडियो भी बनाया करते थे अपने न्यूज़ चैनल्स के लिए, तो ये रूम भी ऐसे ही था मेरी शादी के बाद, लगभग अभी 2.5 साल इसको हो गए हैं, हमने इसको कलर किया था अलग से क्योंकि वीडियोस बनाते थे तो पीछे बैकग्राउंड के लिए ग्रीन स्क्रीन बनाने के लिए कुछ कपड़ा सा लगाया करते थे, तो फिर इसको कलर कर लिया ताकि बैकग्राउंड क्लियर करने में प्रॉब्लम ना हो या दूसरा कुछ बैकग्राउंड के लिए यूज़ ना करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे कलर कर लिया था। और उस टाइम भी मैंने कहा था कि पूरे घर में कलर कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन घर वाले नहीं माने कि नहीं ऐसे ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सिर्फ ऐसे ही इसमें रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं, वो इन चीज़ों पर फालतू खर्चा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कलर करने के बाद जैसे यहाँ भी कलर किया था तो अब ख़राब हो चुका है और ख़राब हो जाता है तो दोबारा से 2 या 3 साल में तो कलर करना ही होता है, और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कलर नहीं करते क्योंकि फिर ख़राब होगा, फिर करवाना पड़ेगा, फिर वही खर्चा, तो इस वजह से ये ऐसे ही रहता है। सो गाइस लास्ट में आपसे करनी है एक और बात कि जैसे कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बुझी बुझी सी रहती हूँ या फेस मेरा ऐसा रहता है या मैं कुछ लगाती नहीं हूँ या मेकअप नहीं करती हूँ या एकदम सिंपल क्यों रहती हूँ या मैरिड होने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, तो एक्चुअली मुझे ये सब यूज़ करना पसंद नहीं है। स्टार्टिंग से ही मुझे ये मेकअप वगैरह पसंद नहीं है, और जैसे स्किन के लिए कुछ अगर करना होता है तो मैं सारी होम रेमेडीज़ ही अपनाती हूँ, और इसके अलावा जो मेकअप का सामान अलग से यूज़ में आता है वो सब मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ ना के बराबर। हाँ जब नई नई शादी हुई थी तो करना ज़रूरी होता था, तो कुछ दिन मैंने या कुछ महीने किया था, वो भी तब करती थी जब कहीं जाते थे, वरना जो मैंने शादी के टाइम पे, शादी को भी 3 साल से ऊपर हो गया है और शादी के टाइम पे मैंने जो सामान लिया था मेकअप का, थोड़ा बहुत जो मैंने यूज़ करने के लिए लिया था, वो मेरा अभी भी वैसा पड़ा है, उसमें से कुछ ही यूज़ हुआ है और लेकिन सारा का सारा वैसा ही रखा हुआ है, और 3 साल बीत चुके हैं मेरी शादी को, 3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी मेकअप का नया सामान नहीं ख़रीदा है, जो मेरे पास रखा था वो उसमें से भी अभी लगभग सारा ही बचा हुआ है, और मैंने मेकअप की तो कोई शॉपिंग नहीं की है इतने टाइम में, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी ये सब पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है। एक्चुअली गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ इस बारे में कि जैसे हम लड़कियाँ होती हैं तो बहुत सी क्या लगभग सारी की सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं, लड़कियाँ समझ रही होंगी, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब हम कहते हैं कि नहीं
हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। लड़कियों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो लड़कियों को उस बात पर आकर, उस पॉइंट पे आकर मजबूर हो जाना पड़ता है अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन अंदर से उनका दिल नहीं मानता है। कई लड़कियाँ अपना मन पक्का कर लेती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं, उनका कोई भी नहीं होता सुनने वाला, तो उनको चेंज होना पड़ता है। तो इसी बात पर मैं कहना चाहूँगी कि तो जैसे मेकअप करके खुद का फेस चेंज करना, और हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं तो हम उसको वैसा ना दिखाकर अपने लिप्स पे या आईज़ पे कुछ और कलर चढ़ा लेना, या अपने फेस का कलर भी चेंज कर लेना। जैसे मेकअप में तो फेस का कलर ही चेंज होता है, काफ़ी कुछ ऐसा आता है, आपको सब पता ही है। तो मैं सोचती हूँ कि इन सब की ज़रूरत क्या है। हम जैसे ही वैसे रहना चाहते हैं तो हम किसी के लिए या किसी को दिखाने के लिए, चाहे खुद के लिए भी, जैसे कोई लड़कियों की ये भी बात होती होगी कि मेकअप तो हम खुद के लिए करते हैं, खुद को हम ऐसा देखना चाहते हैं अच्छे से, या जो भी अपना फेस जो चेंज हो जाता है तो उसको देखना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है। अगर हम खुद को ही उस तरीके से नहीं अपना सकते जैसे कि हम हैं, जैसे हम दिखते हैं, हम खुद को ही देखकर ऐसा महसूस करते कि नहीं, हमें इस पर मेकअप चढ़ाना चाहिए या फेस थोड़ा चेंज होना चाहिए, ये सब करना चाहिए, जब हम खुद ही खुद से संतुष्ट नहीं हो सकते तो हम फिर किसी और से क्यों उम्मीद करें कि कोई हमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि है ना, ये मेरे लिए बदले। तो हम फिर टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं, ये मेरे से ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, तो मैं मजबूर हूँ, या मैं कैसे करूँ, या मैं क्यों करूँ, या मुझे करना पड़ेगा, या बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं। क्यों हम जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते? क्यों हम, अगर हम बिल्कुल सिंपल है, हमारा रंग सांवला है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जैसे हैं हम वैसे क्यों नहीं रह सकते? सामने वाला अगर हमें नहीं देखना चाहता, उसको हमारा फेस पसंद नहीं है, हमारा कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है, या हमारे से कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमें ना देखे, हमसे ना मिले, हमसे दूर हो जाए। लेकिन किसी के लिए भी या अपने आप के लिए भी ये सब करना ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब आपने लड़कों को भी देखा होगा, वो जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, तो लड़कियाँ ऐसे क्यों नहीं रह सकती बिना मेकअप के? मेकअप में ऐसा क्या है जो सिंप्लिसिटी में नहीं है, आप ये बताओ मुझे। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि लड़कियों को अच्छा दिखने के लिए, या मैरिड है तो उनको कोई भी एक से सिचुएशन है तो उसमें उनको मेकअप करना ही ज़रूरी है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर होती है तो होती रहे। अब जैसे मैं भी अभी ससुराल में हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं मेकअप करती थी, कभी कभी करती थी, क्योंकि ज़रूरी भी होता था और मेरा मेरा मन नहीं करता था ये सब करने का, लेकिन फिर भी जैसे होता था, तो धीरे 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 मैंने ये बंद कर दिया। मुझे मेरे ससुराल में भी, और जैसे यहाँ रिलेटिव है जैसे गांव में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सब चलता है, छोटी छोटी बात पे टोकना, छोटी छोटी बात पे कुछ भी बोलते रहना। तो मुझे इस बात पर भी बहुत सुनने को मिलता था कि तू लिपस्टिक नहीं लगाई, बिंदी नहीं लगाई, ये वो बहुत कुछ सुनना पड़ता था। तो शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था, लेकिन मैं कोई उनको आंसर नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आंसर देने का कोई फ़ायदा नहीं, उनको जो बोलना है वो तो बोलेंगे। तो धीरे 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 उन्होंने बोलना बंद कर दिया और मैं जैसी थी मैं वैसी रही। ऐसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। अगर किसी को लगता है कि मेकअप में अच्छी लगती है, बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अपनी एनर्जी और अपना जो भी कुछ है, आप सिर्फ इस चीज़ में ना लगा कर सिर्फ मेकअप मेकअप मेकअप, क्योंकि आज तो देखा है हर जगह, चाहे सोशल मीडिया पर हो या वैसे ही कहीं भी कोई बहू बन के आई हो, या गांव में या सिटी में, ये सब बहुत चलता है कि जब देखो तब पार्लर जा रहे हैं, या कॉस्मेटिक्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है, मैचिंग चूड़ी लेनी है, मैचिंग ज्वेलरी लेनी है, तो इस सब में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और हम जैसे लड़कियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, तो हम आगे चल के जिस चीज़ में हम आगे चलेंगे, जो चीज़ हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे आने वाली हमारी जनरेशन भी उसी हिसाब से चलेगी। अगर हम सारी अपनी एनर्जी सिर्फ इसी चीज़ में ही वेस्ट कर देंगे, तो आगे भी हमारी जो जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी एक हिस्सा इस चीज़ के लिए रहेगा। जो गाइस, जैसे मेकअप की ज़रूरत होती है तो नॉर्मली बिल्कुल सिंपली हल्का फुल्का जो ज़रूरी हो तो वो कर सकते हैं, और वही करना चाहिए, क्यों वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो। वरना इसके अलावा जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, रोज़ कोई ना कोई वीडियोस देखने को मिलती है, तो इतने हज़ारों रुपए सिर्फ इसी चीज़ में वेस्ट हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, इसके अलावा आप
इन्हीं पैसों को आप अपने लिए कहाँ खर्च कर सकते हो और आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। सो गाइज, आपको मेरी बातें कहीं ना कहीं ठीक भी लगी होंगी आई होप। और शायद जो इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही एकदम घुसे पड़े हैं कि उनको इस चीज़ के अलावा कुछ चाहिए नहीं, तो उनको शायद मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन आप सोच के देखिए, जो भी मैं कह रही हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। हाँ, बाकी यह है कि अपनी अपनी पसंद है, मर्ज़ी है, लेकिन पसंद हम और भी कुछ और नई चीज़ को बना सकते हैं, ना कि हम ऐसी चीज़ को लिए ही भागते रहें। हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत कुछ करने को है, और ख़ास करके लड़कियों के लिए, लड़कियों को हर जगह कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उसे बंधना पड़ जाता है। लेकिन हम इस चीज़ से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपना अपना सिर्फ यही नहीं बनाइए कि हमें बस अपना चेहरा चमकाना है, पार्लर जाना है, ये करना है, वो करना है, बस दिखावे की ज़िंदगी ना जिए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। सो गाइज, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आज की वीडियो इतनी थी, मुझे आपसे ये सारी बातें करनी थी, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग आज ही स्टार्ट किया था। तो आज का व्लॉग अभी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी बातें ठीक लगी होंगी, और ना भी लगी हो तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, और अच्छी लगी हो तो भी थैंक यू। और आप आज की वीडियो के लिए, आज के व्लॉग के लिए और इन सब बातों के लिए कुछ भी कहना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी सवाल हैं या कोई थॉट्स हैं, तो आप प्लीज़ अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करो। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर, हम नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। तो लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, थैंक यू।